So, students, welcome to the class. And um, as you all know, we are doing this last chapter in geography. With this, your syllabus for geography would be over natural vegetation and wildlife. Lot of discussions we have done on flora and fauna. Kal humne animals ke ki. We have talked about the different kind of animals found in India. We have also done the map work. Okay. Now about the uh, uh, birds that we were talking birds and uh, fish. This is also I mean the kind of fauna that we have. जिस तरह के जानवर हमारे यहाँ पे हैं हमारे यहाँ मीज़ जैसे जानवर हमको इंडिया में मिलते हैं rarest ऑफ रेयर यू डोंट फाइंड इट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू won't फाइंड इट लेकिन आई मीन द ब्यूटी दैट वी हैव इन आवर नेचुरल सराउंडिंग्स दिस इज समथिंग ग्रेट एंड दिस इज समथिंग टू बी फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ वन थिंग अगेन पहले भी मैंने बताया है कि डेजर्ट के भी एनिमल्स हैं एवर ग्रीन फॉरेस्ट के भी एनिमल्स हैं डेसीड्यूस फॉरेस्ट के अदर एनिमल्स हैं तो वी हैव फ...

All the not all the insects, but some insects are important for the pollination for the growing of these crops. Got it? Um, ecosystem is there, every species is playing a very important role, and conservation is very important. Excessive exploitation of plants and animal resources. ह्यूमन बींग आर रियली एक्सप्लॉयटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इकोसिस्टम इज रियली डिस्टर्ब्ड इस चीज से हमको अपने आप को हम इस चीज को हमको बता, बचाना है ओके मेनी एनिमल स्पीसीज हैव ऑलरेडी बीन एंडेंजर्ड वी हैव डिस्कस्ड इन दिनलाइन क्लासेज कैसे बचपन में हमने स्पैरो को देखा था अभी वेरी लेस स्पैरोज सीन अराउंड अस हमको बहुत कम स्पैरो नज़र आती है जिसको हम हिंदी में गौरैया कहते हैं तो पॉल्यूशन की वजह से केमिकल वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट एसिड डिपॉजिट तो वॉट हैज़ कि न्यू काइंड ऑफ स्पीशीज इज कमिंग अप अलग अलग तरीके के नए तरीके के भी नजर आ रहे हैं आजकल एंड फॉरेस्ट आर बींग कट लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट आर बींग कट लैंड इज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन सो दीज ऑल थिंग्स टूगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस नेचर में इतना इम्बैलेंस है नेचर में इतना प्रॉब्लम्स uh, है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट इज देयर तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी लॉट ऑफ स्टेप्स है बिकॉज वॉट हैपन्स इज प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्लोरा एंड फोना इज द मार्क ऑफ एनी कंट्री किस तरह के पेड़ पौधे हैं और जहाँ पे भी जानवर रह रहे हैं क्या जानवर वहाँ पे खुश हैं पता है देश की खुशहाली वन ऑफ द ग्रेट पर्सन सेड मुझे इस से समय नाम याद नहीं आ रहा है वन ऑफ द ग्रेट पर्सन हैव सेड कि द एनिमल्स विच आर देयर इन एनी कंट्री किसी भी कंट्री के जो एनिमल्स है द वे द एनिमल्स आर लिविंग जिस तरह से एनिमल्स रह रहे हैं उनकी हैबिटेट को देख के उनकी एक्शंस uh, को देख के समझ में आता है कि व्हाट अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड एंड हाउ द कंट्री इज प्रॉस्परिंग या तो इंडिया में गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर ऑन मेंटेनिंग क्योंकि ज्यादातर जगहों पे तो नाउ ह्यूमन बीइंग्स आर देयर हर जगह जहां भी आप देखोगे द ह्यूमन एनक्रोचमेंट इज देयर मतलब इंसान हर जगह घुसता चला जा रहा है जानवर कहाँ जाएंगे वेयर विल द एनिमल्स गो इफ ईच एंड एवरी प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय द ह्यूमन बींग्स तो गवर्नमेंट ने क्या किया है गवर्नमेंट हैव मेड 18 बायो रिजर्व्स ओके ओके रिजर्व्स ओके द द देंचुरीज दैट आर देयर सबसे बड़े वाले जो हैं दैट इज हियर इन सुंदरबंस, नंदा देवी मैप में हमने ये सारा कुछ किया हुआ वी हैव ऑल दीज इन द मैप सुंदर बंस आर देयर नंदा देवी इज देयर गल्फ ऑफ मन्नार नीलगिरी नोक्रेक, निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट आर देयर मानस सैंकुरी सिमलीपाल पंचमढ़ी ठीक है अचानक अचान अमर अमरकंटक दीज ऑल आर बायो स्फेयर ह्यूमन बींग्स आर नॉट अलाउड इन टू दीज एरियाज इट इज एक्सक्लूसिवली प्रोटेक्टेड फॉर दी फोना एनिमल्स जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ये सारे एरियाज प्रोटेक्टेड है गॉट इट तो ये आप बायोस्फेयर रिजर्व याद रखना एंड प्लीज रिमेम्बर एटीन ऑफ देम आर देयर अट्ठारह बायोस्फेयर रिजर्व आर देयर प्रेजेंट इन इंडिया अब देखो एनिमल्स के बारे में मीडिया प्रोटेक्टिंग एनिमल्स मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन टाइगर टाइगर एक बार नहीं न्यूज आ रहा था दैट वेरी लेस टाइगर इज लेफ्ट ओनली सिक्सटीन हंड्रेड और सेवनटीन हंड्रेड टाइगर्स ऑल ओवर इंडिया हंड्रेड या सेवेंटीन हंड्रेड ऐसे ही था कुछ अभी राइट टू एम नॉट रिमेबरिंग द नंबर सम ईयर्स बैक समय अराउंड एट नाइन ईयर्स बैक तो देयर वॉज सो मच ऑफ अलर्टनेस एंड ऑल दई मीन इट वॉज क्लियरली सेट टू दी दीपल हुर लुकिंग आफ्टर द जंगल्स द बायोस्फेयर रिजर्व की प्रोटेक्ट द टाइगर और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए वॉट एवर हेल्प इज नीडेड गवर्नमेंट इज रेडी टू डू दैट तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अलर्टनेस दिखाई इसके वजह से क्या हो गया कि अभी टाइगर्स आर प्रिजर्व अभी 1900 कुछ टाइगर्स ही बचे हुए थे नाउ द टाइगर द नंबर ऑफ टाइगर इज इंक्रीजिंग ये सब एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए ना अभी पता चला कि कमिंग जेनरेशन को हम टाइगर्स की फोटो दिखा रहे हैं कि ये देखो वंस अप ऑन ए टाइम टाइगर हुआ करते थे दिस इज बैड ऐसा नहीं होना चाहिए गॉट इट देखो आई टोल्ड यू द न्यूज टाइगर्स डाइंग सेंस कंफर्म्स ओके एंड दीज पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोचिंग पोचिंग मीन्स बस किलिंग एनिमल्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज काजी रंगा में वन हॉ राइनोसेरस मिलता है वन हॉर्न वाला जो रहता है ठीक है दिस राइनोसेरस विच इज फाउंड वो जो उसका हॉर्न होता है ना इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत करो अरबों डॉलर में होती है यस, yes, तो मने पीपल हु आर हंटर्स जो शिकारी होते हैं ना वो हमेशा सोचते हैं कि इस तरह के एक जानवर मिल जाए तो अच्छा है इनको तो मार के और काफ़ी सारा पैसा कमाया जा सकता है इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस इट तो ये न्यूज पेपर कटिंगज आर हियर इसको एक बार देखोगे ये देखो सी बी आई टू प्रूव सी बी आई प्रूव कि हाउ टाइगर इज डाइंग इन रंथम टाइगर का जो स्किन होता है इट इज़ सो ब्यूटिफुल तो उसकी भी तस्करी होती है दैट इज ऑल्सो स्मगल टाइगर को मार दिया और उसका स्किन निकाल के और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके लोग बहुत पैसे कमाते हैं तो दे आर वॉज सो मेनी टाइगर्स वेन देवर डाइंग तो सी बी आई को लगाया गया पता करने के लिए कि वाई सो मेनी टाइगर्स आर डाइंग ठीक है दिस वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट दीज थिंग्स नीड्स टू बी लुकड इन टू एंड दीज आर दिंग्स जिसपे की गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली वर्किंग काफी काम हो रहा है ओके okay. तो दिस वॉज देअर अभी वन एक्टिविटीज य हम करेंगे इसको न्यूज पेपर कटिंग्स के बारे में पता करना है आपको मेजर कंसर्न हाईलाइटेड अबाउट द एनिमल्स एंड मोर इंफॉर्मेश यू नीड टू करेक्ट कलेक्ट अबाउट एंडेंजर स्पीशीज द एनिमल स्पीशीज विच आर डाइंग इंडियन गवर्नमेंट वॉट इट इज डूइंग टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स ओके तो वॉट कैन बी डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एंडेंजर स्पीशीज दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड आप इसको बता सकते हो अभी मैंने आपको बताया था माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में ब्यूटिफुल बर्ड्स कभी कभी तो इट uh, इज सो अमेजिंग टू तो सी कि क्या इतनी सुंदर चिड़िया भी हो सकती है

Where desert is merging with the sea, okay? Uh, flamingo come with their brilliant pink plumage. They come in thousands. और यहाँ पे क्या करते हैं ये दे मेक द नेस्ट अपने नेस्ट बनाते हैं अपने घोंसले यहाँ पे बनाते हैं एंड देन सॉल्टी मार्ट इज देयर दे रेज देयर यंग यहाँ पे आके अंडे देते हैं अंडे देके इनके बच्चे बड़े होते हैं तो मैनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट ये सब कुछ देखने के लिए पीपल हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ द बर्ड किंगडम जिनको चिड़िया बहुत पसंद है वो इन सब एरियाज में घूमने के लिए जाते हैं देखने के लिए जाते हैं हाउ द एनिमल्स द हाउ द बर्ड्स आर लिविंग एंड वॉट इज देयर लाइफ स्टाइल नाउ एटीन बायोस्फेयर रिजर्व्स का नाम दिया हुआ इसमें चिल्ड्र नाम याद करना पड़ेगा आपको ठीक है सुंदरबंश गल्फ ऑफ नीलगिरी नंदा देवी नौकरेक ग्रेट निकोबार मानस सिमलीपाल दिहांग दिबांग असम में है असम ये सारे मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस जो इसमें नाम दिया हुआ है खाली नीलगिरी है मन्नार है दिस इज इन केरला अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर इन नॉर्थ ईस्ट देन अगस्थ्य मल्लाई काकचंड काकचंड गोजोंगा पंचमढ़ी अचान कमर एंड अमर अमरकंटक एमपी में ओके तो ये एटीन बायोस्फेयर बायो देयर जहां पे एनिमल्स आर केप्ट सेफ एंड सिक्योर तो गवर्नमेंट ऑलवेज गिव्स कीप्स गिविंग मनी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज गिवन टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स

ये सारी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट इज़ स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी फॉर द प्रजर्वेशन ऑफ दी वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट राइनो मीन्स प्रोजेक्ट चलाया जाता है कि एनिमल्स जो मर रहे हैं बुरी तरह से उनको मरने से रोकना है प्लस इफ़ एनी बडी हैज़ किल्ड दीज एनिमल्स और एनी बडी हैज़ प्लेड विद दीज एनिमल्स तो उनके साथ बहुत स्ट्रिक्टली डील करना है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट कीप्स ऑन टेकिंग बिकॉज अगर ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या इट समथिंग रॉन्ग हैपन्स विद दीज एनिमल्स इट इज डिस डिसबैलेंस इन द इको सिस्टम इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बैलेंस रखने के लिए सारे जानवरों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है गॉट इट चिल्ड्रन तो नेशनल पार्क्स आर देयर हंड्रेड एंड थ्री नेशनल पार्क्स इन इंडिया गुड नंबर काफी सारे हैं फाइव थर्टी फाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स दीज आर ऑल अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज हेरिटेज को बचाना है ठीक है तो फॉर आवर सर्वाइवल फॉर द नेचर सर्वाइवल इट इज रियली नीडेड की डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट शुड बी स्टॉप्ड हर तरह से ये देखना है कि नेचुरल एनवायरमेंट को हमको बचा के रखना है प्रिजर्व करके रखना है नाउ चिल्ड्रेन वी हैव कम्पलीटेड द चैप्टर लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चन एंड आंसर्स वॉट इट चिल्ड्रेन चलो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं तो चैप्टर भी ओवर हो जाएगा एंड विद दिस योर सिलेबस फॉर दो फॉर द्लास नाइन्थ जोग्राफी वुड बी ओवर ओके चिल्ड्रेन so students let's discuss the question and answers uh, as you know we have completed chapter 5 natural vegetation and uh, wildlife <coughs> the first set of questions that are there that is mcqs you know it very well which type of vegetation uh, does rubber belong to rubber belongs to tropical evergreen evergreen forest mein hi aapko rubber milega okay तो दिस इज देयर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ सेकेंड सिंकोना ट्रीज सिंकोना ट्रीज ट्रीज के बारे में अलग से बॉक्स दिया हुआ है ट्रीज के बारे में लॉट ऑफ इंफॉर्मेश आर देयर तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंकोना ट्री फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल जहाँ पे रेनफॉल इज मोर देन हंड्रेड सेंटीमीटर ओके which of the following state is the simlipal bio reserve located simlipal is located in west bengal many times it happens that children get confused to odisha but no it's not odisha it is the west bengal abi bio reserves that are there uh, which is not included in the world network of bio reserve. आई मीन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व मीन्स पूरी दुनिया में इट इज नॉट मेकिंग अ प्लेस बट इट इज अ वेरी बिग बायो रिजर्व दैट इज मानस ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन दैट आर देयर वी नीड टू आंसर इट ब्रीफली इकोसिस्टम सबसे पहले डिस्क्राइब करना है ऑफ कोर्स सिंपल क्वेश्चंस आर देयर सो यू कैन आंसर इट सिंपली लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखना कि यू द क्वेश्चंस दैट यू आर आंसरिंग जितने भी क्वेश्चंस आप आंसर कर रहे हो हमेशा आपको पॉइंट्स में ही आंसर करना है मेजरली यू हैव टू आंसर इट इन पॉइंट्स पॉइंट्स में लिखने से ये होता है कि मार्क्स कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे सो द फर्स्ट इज देयर ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर देयर it is it is uh, uh, interdependent on each other ecosystem mein, this is one of the major factors and plants and animals are there along with their um, physical environment Matlab, kis area mein, uh, these plants are located what are its main features ke mila ke, uh, the the uh, the uh, uh, ecosystem is made and ecosystem holds a very important place got it नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देर इज द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया ऑफकोर्स इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है दिस क्वेश्चन कम्स मेजरली फॉर फाइव मार्क्स इसमें तो शॉर्ट में दिया हुआ है डोंट कॉपी दीज आंसर्स ये मत कहना कि मैम आपने आंसर दिखाया था इसीलिए जिस तरह का आंसर आपने बोला था हम वही आंसर हमने लिखा है आपने इतने नंबर नहीं दिए हैं सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू ऑल विल हैव टू एक्सप्लेन दिस जैसे रिलीफ फीचर है लैंड एंड सॉइल आई मीन जिस तरह की मिट्टी है जिस तरह का की जमीन है ऑल दोज प्लेसेस दैट आर लोकेटेड ऑल दोज प्लेसेस दैट आर सिचुएटेड क्या उसका फ़ायदा हो रहा है टू फ्लोरा एंड फोना देन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ कोर्स टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फोटो पीरियड प्रेसिपिटेशन मैं बार बार आपको कह रही हूँ यू हैव टू एक्सप्लेन इट डोंट गो फॉर अ शॉर्टकट मेथड मैथड अगर आप शॉर्टकट मेथड मैथड के लिए जाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे सो एज इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द चैप्टर ऐसा नहीं है कि चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं है इट इज देयर इन द चैप्टर बस उसको आपको देखना है कि हाउ वेल यू कैन एक्सप्लेन इट एंड द द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हाउ टेम्परेचर इज अफेक्टिंग हाउ ह्यूमिडिटी इज हैविंग एन इफेक्ट फोटो पीरियड फोटो पीरियड इज मीन्स फोटोसिंथेसिस के वजह से क्या असर पड़ रहा है प्लांट्स के ऊपर एंड एनिमल्स पे अभी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बायो रिजर्व बायो रिजर्व क्या है इट इज़ ऑफकोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर फ्लोरा एंड फोना इज प्रिजर्व ओके आपको ये एक्सप्लेन करना है डिटेल में कि इट इज एन एरिया जहाँ पे कि रेसिडेंट्स आर देयर नेशनल कमिटी इज देयर एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को यूनेस्को ने बताया हुआ है कि मैन यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फेयर मीनस ह्यूमन बींगस एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम दे डोमस्ट्रेट इनोवेटिव अप्रोचेस क्या है कैसे करना है क्या क्या चीजें वहां पे एनिमल्स के लिए होनी चाहिए वॉट आर द फैसिलिटीज दैट आर टू बी प्रोवाइडेड प्लीज एक्सप्लेन इट इन डिटेल ओके इनोवेटिव अप्रोचेस पता है अभी ना आई विल टेल यू इन वन ऑफ द प्रोग्राम्स इट वॉज शोन दैट सम ऑफ द पीपल वॉट आर दे डूइंग नाउ अ डेज रस्सी ले लेते हैं ओके दे टेक दैट जूट वाला वो जो वो जो कड़ी वाली जो रस्सी होती है वो ले के उसके दे आर ट्राइंग टू मेक नेस्ट आउट ऑफ इट घोंसले बनाते हैं और पेड़ों पे लगा देते हैं ना वट हैपन्स द बर्ड्स विच आर देयर जिनको कि घर नहीं मिल रहे हैं दीज बर्ड्स एडॉप्टीज नेस्ट वो आती हैं उसमें अपने अंडे डालती हैं अंडे छोड़ती हैं और उसमें टेक्स शेल्टर एंड दे, 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 दे प्ले एंड ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर डूंग ओके तो इनोवेटिव अप्रोचेस हैव टू बी देयर टू लिविंग एंड वर्किंग इन हार्मोनी विथ नेचर ओके देन नेचर के साथ एंड वी हैव टू हेल्प दम आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स जानवरों की हमको मदद करनी है कि दे फील कंफर्टेबल येस माई डियर चिल्ड्रेन इट्स साउंड्स डिफरेंट लेकिन दिस इज द रियालिटी आज जो हमने इतना टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है ऑल दिस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इज टर्निंग टू बी अ बेन फॉर द एनिमल्स बेन मीन्स एनिमल्स के लिए एक श्राप बनता जा रहा है हमारे को बहुत मजा आ रहा है वी आर इन वी आर टेकिंग द फुल एडवांटेज वॉट अबाउट द एनिमल्स ओके लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन ट्रॉपिकल और माउंटेन वेजिटेशन के लिए के दो एनिमल्स के बारे में बताना है ट्रॉपिकल के लिए वी हैव एलिफेंट एंड डियर एंड माउंटेन के लिए यॉक स्नो लेपर्ड एंड ऑल नाउ नाउट बिटवीन फ्लोरा एंड फॉना। अभी डिस्टिंग्विश यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है इट आई वोट से इट इज रॉन्ग लेकिन इट इज नॉट सफिशियंट डिस्टिंग्विश एंसर यू आर राइटिंग आप जब भी कंपेरिजन करते हो आप जब भी डिस्टिंग्विश करते हो इट हैज टू बी इन कॉलम्स ठीक है एक तरफ आप फ्लोर और एक तरफ फोना सो इट हैज टू बी इन दिस मैटर हा एक डिस्टिंग्विश एक तरफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन दूसरे तरफ ट्रॉपिकल डेसीड्यूस तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ़ कोर्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन में दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एंड एट अ फिक्स टाइम इन अ ईयर एंड ट्रीज ऑफ डेस्टिडूस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स जब गर्मी पड़ती है नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट इज फाउंड इन इंडिया हमने पूरे वेजिटेशंस के बारे में डिटेल में किया है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और यू कैन से द ट्रॉपिकल एवरग्रीन ओके then you have the tropical deciduous forests, tropical thorn forests are there, scrubs, mountain forests are there and mangrove forests are there. तो ये जो हैं इसमें आपको देख लो क्या-क्या चीजें हैं different. First you are naming them. थोड़ा बहुत आपको description भी देना है इसमें. Got it? अभी प्लीज अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर फाइव वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि फ्यू स्पीशीज दैट आर देयर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो इंडिया में मिल रहे हैं ऑल दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया ऐसा क्यों है वाई तो सबसे पहले तो डिफोरेस्टेशन इट हैज रिड्यूज द हैबिटैट and um, many plants and animals that are endangered. nothing has been mentioned. so you know, deforestation is not the only reason. you have to mention that the developed technology that is there. this developed technology is uh, leading the country towards development. but somewhere it has posed an harm. A harm to the flora and fauna in the country. Got it? Ye, ap explain karna. Please explain it in detail. Then, India may why do we have a rich heritage of flora and fauna? Itna a wide variety of plants and animals that are there. How come it is there? तो यू हैव टू ट अबाउट दी सबसे पहले तो आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताना है ये इस तरह के क्वेश्चन में ना यू हैव टू डील इन विद द होल चैप्टर लगभग एक एक लाइन में बताना है यू हैव टू स्टार्ट द काइंड ऑफ लैंडस्केप दैट वी हैव देन वी हैव टू टॉक अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस कहीं पे गर्मी पड़ रही है द रेन्स आर हैपनिंग द नेचुरल वेजिटेशन एंड नेचुरल फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन द रेन कमिंग फ्रॉम द स्काई नेचुरल वेजिटेशन के बारे में गवर्नमेंट डस्ट मेक द अरेंजमेंट लेकिन वाटर अरेंजमेंट उतना नहीं हो पाता है इतनी बड़े बड़े ट्रीज हैं सो वेन द ट्रीज आर सो बिग तो उनको वाटर फेड करने के लिए uh, I mean water availability is very less. Agri अगर सारा water हम forest में दे देंगे तो agriculture में water कहाँ से आएगा? That needs to be understood. Okay? Uh, there is large variety of flora and fauna we are finding here. बहुत कम है. Please don't copy these answers. You have to write the answers on your own. आपको अपने तरफ से इसमें add करना ही पड़ेगा. Okay?

then you also have to mention about the mountain kind of a forest and mangrove forest. आपको बताना है कि जहाँ पे rivers are bringing the whole silt with it and depositing it on the bank of ocean. समंदर के पास ये जब deposit करते हैं तो समंदर का पानी it gives extra nutrition टू द्लांट्स टू दी ट्रीज दैट आर ग्रोइंग नियर बाय इस चीज के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है वॉट एड चिल्ड्रन जब आप ये एक्सप्लेन करोगे देन थिंग्स वुड बी वेरी क्लियर सो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डेजर्ट माउंटेनियस हाउ विच काइंड ऑफ प्लांट्स आर फाउंड विच काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे सो यू जस्ट चेक यू जस्ट सी हाउ यू आर गोइंग टू सोल्व दिस थिंग्स गाटेट इसको आप किस तरह सोल्व करेंगे आप इसको देख लीजिए मैंने आपको पूरे हिंट्स दे दिए हैं और आपको ये देखना है कि आप ये सारी चीज़ें इनकलूड कीजिए गटेट तो विद दिस वे विद दिस मैथड प्लीज़ कंप्लीट योर आंसर्स And uh, click the pictures of your answers and send it on my mail ID. Okay, thank you, children, and all the best to you.